हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है कैसे होंगे। मुझे पता है कि मेरा कल व्लॉग इसलिए नहीं आया था क्योंकि हमारा जो व्लॉग था ना सारा डिलीट हो गया। एक्चुअली मैं आपको आगे आपको पता चल जाएगा किस वजह से जो है व्लॉग अपलोड नहीं कर सका, क्योंकि मैंने नया आईफोन ले लिया है। यस, और मैं आज इसके अंदर ही व्लॉग बना रहा हूँ। कल का जो व्लॉग था वो इतना मज़े का था ना, उसके मैंने आईफोन के जो है आप लोगों को सरप्राइज़ दिया था कि मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की। लेकिन मैं आपको नीचे जाके एक बार दोबारा आईफोन दिखाते दूंगा, देख सकते हैं आप रिजल्ट इसके अंदर, और मैं खूबसूरत आ रहा हूँ है ना। और प्रेजेंट से आप सुबह सुबह मिल लें। और कल का व्लॉग जो था ना इतना मज़े का था क्योंकि हम लोग जो ऑर्फनेज के बच्चों के पास गए थे, उनसे हमने जाकर पूछा कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमने सोचा कि बच्चों की मदद कर दें, क्योंकि यहाँ पे एफ ब्लॉक में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास दो वक्त का ना खाना खाने का खाना नहीं खा सकते वो, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ना उनके हालात ख़राब हैं। इसलिए तो हमने काफ़ी चीज़ें बताई थी कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो हम उनमें से जितनी चीज़ें पूरी हो सकती हैं वो करेंगे। ओके, अभी मैं आपको नीचे जा कर जो है आईफोन दिखाता हूँ कि आईफोन कैसा है और कौन सा है। ओके, मैं आपको फ़ोन दिखाने से पहले आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जितने बच्चों की मदद कर सकते हैं किया करें। ये ना देखा करें कि क्रिश्चियन है या मुस्लिम, जिसकी भी हो सकती है किया करें। देखें, हम क्रिश्चियन और मुस्लिम और कोई भी मज़हब होने से पहले जो है हमारा जो मज़हब है वो है इंसानियत का। और आप ये ना देखा करें कि ये इस मज़हब से है तो हम इसकी मदद करने देते हैं। कोई क्रिश्चियंस कहते हैं हम मुस्लिम की मदद नहीं करते, मुस्लिम कहते हैं हम क्रिश्चियन की नहीं करते, ये चलो ये तो कोई बात नहीं। लेकिन आप जो है ये ना देखा करें कि कौन से मज़हब से, आप बस मदद किया करें, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। और इन बच्चों को निकाल था मुझे भी लेना, से हाय हेलो करो, ऊंची ऊंची और ऊंची और ऊंची, हेलो बच्चे ये भी थे, ठीक है ना। मुझे रोज कहते हैं मुझे ले लिया करो, मैं इनको रोज देता हूँ लेकिन चैन का दिल भरता ही नहीं। मैं कहता हूँ ले, ओके आई जाओ आई जाओ। ये मेरा स्कूल देखे बन रहा है, काफ़ी ज़्यादा बन गया है अभी से, और जो है इसमें और जो है डिटेलिंग ऐड होगी, मतलब कि प्लस्तर यहाँ पे सारा हो गया, तो अभी पेंट वगैरह होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, मैं नीचे जाकर आपको आईफोन दिखा दूँ, मुझे पता है यू आर वेरी एक्साइटेड मेरा आईफोन देखने के लिए। यस, और आपकी ये फोटो देख रही है, हाँ ये मैंने कायनात को भी यहाँ ऊपर आके खींच के ना भेजी है। मैंने उसे कहा है जली ना अब मैं से ये चढ़ाता रहूँगा पूरा दिन, तेरे पास तो है नहीं मेरे पास है, ठीक है चलो क्रिसमस। हाँ, और ये भी मैंने आपको बताना था, ये जो गिफ्ट है ये मुझे मेरे पापा ने क्रिसमस गिफ्ट दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था क्रिसमस से पहले इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तेरे क्रिसमस और जो बाकी ब्लॉग्स हैं वो अच्छे बन जाए। मैं थैंक यू सो मच। फाइनली वो टाइम आ गया जब मैं आपको दिखाऊंगा अपना न्यू आईफोन। यस, मैं आपको पहले बता दूँ नहीं बल्कि बता दूंगा आपको, देख के पता चलेगा कौन सा है। ओके, दिस बताएं कौन सा है। देखो इसके ऊपर कच्चा एप्पल भी बना हुआ है। यस, दिस इज माय न्यू आईफोन, ये देख सकते हैं इसकी शाइन। यहाँ पे लिखा है आईफोन, ये लिखा है एप्पल, ओपन एप्पल, ये इसके कैमरा, एंड दिस इज XX Max, पता नहीं मैंने सही नाम दिया या नहीं। इसका मैंने कल ही कवर ले लिया था, प्यारा ना कवर भी। यस, कैमल कलर मेरा वैसे फेवरेट है इसलिए मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ है। ओके, तो आज का जो मकसद है ना, सही वाला जो आज व्लॉग बनाने का मकसद है, आज हम जो है एक लड़की है उसे हम जो है शॉपिंग करवाएंगे, ठीक है। उनके भी हालात ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब है क्योंकि हम लोग जो है क्रिसमस के कपड़े ले रहे हैं, तो वो बच्ची को भी तो हक बनता है ना कपड़े लेने। अभी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने नहीं लिए, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ले भी लिए हैं, जिनके पास नहीं है। अब मैं सबकी मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन आप मेरे लिए दुआ करना कि मैं सबकी मदद कर सकूँ। ओके, तो अभी जो है हम लोग वो लड़के के घर जाएंगे, ठीक है, फिर उसे वहाँ से लेंगे, उसे यहाँ से कपड़े दिलवाएंगे और फिर उसका क्रिसमस हैप्पी हैप्पी गुजरेगा, ठीक है। जैसे हमारा गुजरता है दूसरों को भी तो गुजरना चाहिए ना, इसलिए, ठीक है। तो अभी हम उसके घर जाएंगे पहले। ओके, चलो चलिए, मैं रात को चढ़ाऊँगा क्योंकि मज़ा आएगा, ठीक है। उसे कहूँगा तेरे पास थाने मेरे पास है। अस्सलाम वालेकुम, कायना तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई? उधर हो जाओ थोड़ा, उधर हो जाओ। अच्छा, तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई? अच्छा, तुम्हें पता है आईफोन में ना वो ब्लर वाला भी वो है। क्या हुआ? फोन का दर्द अभी कल पे निकला। अच्छा, देखो इसमें तुम कितनी प्यारी आ रही। तुझे पता है इसके फोटो ना, ओ फोटोज और वीडियोस एडिट होके ना इसके ऊपर फिल्टर भी लग जाता है।
ओहो तेरे पास तो नहीं है ना। और कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें 14 ले दूंगा दोबारा, नहीं 19 लेके दूंगा। पीछे हो जाओ, मुझे ऑयल लगा देगा सारा। अच्छा तुम्हें आईफोन के बारे में कुछ कहना चाहोगी? नहीं मुझे पानी। जलन है तुम्हें। अब मैं आपको अपना क्रिसमस ट्री दिखाता हूँ आईफोन के साथ। हाय 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 एंड नाउ यू वांट मी। अबे अन्या का भी तबीयत आज खराब हो गई है, पता नहीं क्या मौसम बदल रहा है ना इसलिए। अन्या क्या हुआ? ओके समझ आ गई होगी कुछ मींस का मतलब। उनके घर जाना है, लेट्स गो, चलो चलते हैं। और उनके सारे हालात भी दिखाएंगे। लिपस्टिक लगा लो जल्दी जल्दी। लिपस्टिक लगा कर चुतरी से तैयार। हाँ जी हाय, हम लोग आके गए उनका घर, ये देख रहे हो। चलो अंदर चलते हैं फिर उनको लेके, तो फिर जाते हैं। देखो कितना अंधेरा है। जब मैं इनके घर में गया ना तो मुझे तो यकीन ही नहीं, वाकई यौनाबाद में भी ऐसे लोग रहते हैं। देख सकते हैं इनका घर कैसे टूटा फूटा, सिर्फ इनके घर में दो चारपाइयाँ, एक पंखा और एक ही बल्ब सा लगा हुआ है, और जिसकी भी रोशनी इतनी कम थी ना, उनके घर में पूरा अंधेरा था। और इन्होंने अपने इंटरटेनमेंट के लिए बस ये छोटा सा टीवी रखा हुआ है, और बस ये टूटा फूटा सारा सामान है। और बच्ची इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है, जिसे हम कपड़े लेके देंगे वो गाती भी है, इतने अच्छे अच्छे गीत गाती है। और यहाँ पे इसका एक इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है, मुझे इसका नाम नहीं आता, ये इतना अच्छा बजाती भी है। हाँ जी चलो हम इसको ले साथ। हाँ तो फिर अच्छी सी क्रिसमस के लिए शॉपिंग करवाएंगे इस बच्चे को, ठीक है? ठीक है ना। अच्छा तो हम लोग ना अभी जा रहे हैं रास्ते में, तो वहाँ पे आपको जाके दिखाते हैं, ठीक है? पहले बच्चों को इस दुकान में जाना है, तो इसलिए हम लोग इधर आए हैं। और अगर ये फ्रॉक आपको पसंद है तो फ्रॉक ले लो। हमने बच्ची को दुकान में लाकर खड़ा कर दिया। हमने कहा कि जौन सा तुमने लेना है, जो आज तुम्हें पसंद है वो ले लो। हमने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, ये नहीं अच्छा ये नहीं अच्छा, उसे जो जहाँ पसंद है हमने उसे लेके दिया, और बहुत ज़्यादा वो खुश भी थी। फाइनली बच्ची को ये वाला ड्रेस पसंद आया था, तो हमने उसे ये ले दिया। हमने कहा कि अगर तुम्हें अगर नहीं पसंद तो हम आगे और भी दुकानों पे चलते हैं। वो कहते हैं नहीं मुझे ये पसंद है, तो हमने उसे ले दिया। कलर ठीक है, चलें ठीक हो गया। जब मुझसे बोलो बाजी को पता चल गया आप बोलते भी हो। हाँ बताओ पसंद है, खुश है हम लोग। बच्चों ने ड्रेस तो ले लिया, अब हम लेने जा रहे हैं चप्पल, मतलब कि जूती, जो क्रिसमस पे पहन नहीं आओगे। okay, ड्रेस साथ में आ गया। अच्छा तो आपको पसंद आए कपड़े, कैसा लगा? अच्छे लगे इंशाल्लाह। चलो आप लोग खुश हम भी खुश, ठीक है? आपको खुशी हुई तो ठीक है हम भी खुश। तो जितनी हमसे हो सका उतनी हेल्प कर दी आपकी, बाकी जो है ना आगे भी खुदावन ने चाहा तो ऐसे मौके आते रहेंगे और करते रहेंगे ऐसे काम। तो आप देख लो, दिखाओ क्या क्या लिया आपने।
मैंने इसको कहा था फ्रेंड्स, जैसे तू अपनी मामा के साथ जाती है ना तो मामा कहती है वो चीज लेनी है, मुझे वही पसंद है तो ऐसे ही तू देख ले, मगर उसको जो इसको पसंद आया वो इसने ले लिया। ये इसको सूट एक लेके दिया, ठीक है, ये इसको पसंद आया था तो मैंने कहा बच्चे के पसंद के हिसाब से इसको जो है ना देना चाहिए, ठीक है। भाई ने बोला था, इसके भाई ने कहा था वो ले के ब्लैक कलर की जूती, कहता नहीं ये वाली मैचिंग लो, मैंने कहा सही है मैचिंग लो, ठीक है ठीक है। हमारे फिशूस के देख देख के खुश हो रहे हैं दोनों, कह रहे हैं कितनी प्यारी है, अभी मिल लो सुबह से मिले नहीं ना। हेलो, जब कहीं ये है। सेवन स्टार फैमिली को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस बच्चे की बात अब मान ले प्लीज, और हमारे भी कोई ज्यादा सारे सब्सक्राइबर करवा दे। नहीं जी, इसके आ भी गए कपड़े, हमने पहले दिए अपने, फिर जब जो जितना खुदा ने वो दिया फिर हमने उसकी मदद की। आप भी ऐसे किया करें, है ना रुचि, तुम भी आगे कुछ कह दिया करो। हाँ जी, किया करें। हाँ जी, खुद ही कहते बोलती बड़ा ज्यादा, मैंने बोलना कम किया आप लोगों से। अभी भी बहुत ज्यादा बोली, चुप कर जाओ। तो अभी भाई इसका ब्लड टेस्ट के लिए ना सैंपल लेने आए। हाँ जी सैंपल, इसके पहले खून है नहीं तो अब आप निकाल लोगे। भाई जितनी जोर से लगा सकती हो लगा दे, तीन चार दिखे निकाल लो। मजा आया कहीं ना, गंदा खून, गंदा खून। और भाई के साथ ये भी आए से तो दिखाओ, ये कितना प्यारा है, ये देखो, इसकी दो टीटियां आ गई हैं। टीटी दिखाओ, टीटी दिखाओ, टीटी दिखाओ बच्चे। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी भाई माफी दे दो, इसे मुझे पकड़ा जरा। आई समझा ना, बस कह रहा हूं वो आई 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 भाई आ रहे ना, आई बड़ा प्यारा है ये। रेडी प्रिजन फीचर्स का कर दे दे। इसके लिए सांता क्लॉज का ड्रेस देने जा रहे हैं, देखो कितना प्यारा, ऐसा रहेगा। अच्छा इसे पकड़ जरा, इसका हम आपको टूर देंगे। हर चीज का ये, इसके नाक है, इसके होंठ है, कितने प्यारे होंठ हैं। ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, लोग तेन विंगा समझे सीधा मुंह कर ले। बड़ा प्यारा, इसके ग्लव्स तो देखो, ग्लव्स दिखाओ। ओह माय गॉड, खाली हो गया सब कुछ, अभी तो दुकानें बाहर खुली होंगी, यहाँ पे तो नहीं। और भी ये भी हैं, ये भी सारे। अभी इसके साइज का दिखा रहे हैं, विद कैप, ये शर्ट, ये कैप है, और ये बड़ी है, और साथ इसके बेल्ट है। अच्छा ठीक है, किंडो दिखा जरा, ये वाली कैप नीचे पहना के फिर पहनाई ऊपर। वो बिट्टी, इतना प्यारा बेटा किसका है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। ले लिए, चलो ओके प्यारे प्यारे, आ जाओ घर चले। देखो एक और काके ने कैप ले ली, वैसे तो इसके सूट के साथ भी थी लेकिन एक और ले ली, बड़ा प्यारा लग रहा है। ताला तेरे मुंह पे लगाने के लिए नहीं, तेरा ही चलता है बहुत उस पे लगाना। तेरे कहीं आप को तो देखो बस काफी बनी। जैसा कि आपने देखा कि भाई कायनात का ब्लड लेके गए थे, और भाई ने क्विक सर्विस, उसकी रिपोर्ट्स भी आ गई और पता चला मामा उसे डेंगू हो गया। ना भी मुसीबत खा लो पे आ गए, अब उसको हर वक्त जूस नहीं जूस कौन कड्डेगा है, मैंने बोला मैं भाइया तो बीमारी रहा, मैंने नहीं पता। नहीं भाई, नहीं 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 बंटी चबाई रहना, सारा शक्ल से कहीं भी लगती,
और अभी कहती मिलो आफरी पईगा आफरी पईगा ठीक है ते नाले ते रोटी भी खाई जांदी वाओ मामा कितना लगदी डेंगू मरीज मेनू डेंगू की होया खिदमत करो मेरी ब्रांडी मेरे दबाओ आंख अच्छा तुम्हारा गला ही दबा देना दबाओ मेरे और उस रिपोर्ट में ये भी बताया है कि कहीं आग के दिमाग घुटनों में ये है रिपोर्ट जिस डैंगी ने इसको काटा होगा वो बेचारा मर गया होगा सीधे उल्टा उस पे असर हो गया होगा वो मैंने ना ऊपर इस तरह ना कंबल लिया मुझे भी कितने उसके अंदर ना मच्छर घूम ही जा रहा था मैंने ऐसा निकाला ही नहीं मैंने ऐसे गला नहीं कटिया कि उन्हें सर्दी ना लगे वो बेचारे के बारे में तूने सोचा और लेकिन तेरा कोई एहसास नहीं की नहीं वो मच्छर नहीं बैठा ढूंढ रहा नहीं तो ना ओके एडवेंस सीजन है आप भी जितनी मदद है तो हो सकती है किया करें ओके थैंक यू सो मच वाचिंग टिल एंड यू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल हिट द बेल आइकन एंड थैंक यू सो मच वाचिंग भाई अभी नहीं करना बहुत देर पहले बोला कितनी प्यारी फोटो तेरी मेरी मदद करो भाई